जय श्री राम। असुर अश्व की नहीं, अब तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होगी। पवन सुत धारे पाचहु दानव छन में संहारे, जब सहाय बलि हनुमाना, राम काज में को व्यवधाना। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आश्चर्य, मेरे महादानवों का वध कर दिया इसने, मेरे महादानवों का। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान, हमसे बड़ी भूल हुई है, हमें क्षमा कर दीजिए। इससे पूर्व की कोई और अनिष्ट घट जाए या हमारी बुद्धि को कोई फिर से प्रभावित करे, आप श्री राम के कार्य हेतु इस अश्व को ले जाइए। हनुमान जी, इसमें आप दोनों का कोई दोष नहीं है, ये सब राक्षस निकुंभ ने किया है। संसार में अधर्म का विनाश करने के लिए अपनी माया से वो सबके विचारों को दूषित करने का प्रयास कर रहा है। सत्य है हनुमान जी, आपने हम दोनों भ्राताओं को अधर्म करने से बचा लिया। उस आसुरी शक्ति से हमारी रक्षा करने के लिए आपको शत शत नमन हनुमान जी। मेरी तो इच्छा है
कि मैं जगत के सभी मनुष्यों को ऐसी आसुरी शक्तियों से रक्षित कर सकूं। प्रणाम ब्रह्मदेव। हनुमान, तुम तो सदैव से ही सबके संकट मोचन रहे हो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ये विधान करता हूँ कि अब से जिस भी घर एवं नगर के द्वार पर श्री राम का नाम लिखा होगा एवं तुम्हारे पंचमुखी रूप की प्रतिमा होगी, वहाँ कोई भी बुरी शक्ति या राक्षसी सोच प्रवेश नहीं कर पाएगी और तुम्हारी पंचमुखी प्रतिमा घर की पांच दिशाओं से रक्षा भी करेगी। जय श्री राम। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ब्रह्मा दिए हनुमत आशीषा, पंचमुखी महिमा हो विशेषा। नारायण पुर घर घर उभरा, पंचमुखी हनुमान का चित्रा। तत्पश्चात कपि सुन भाई, अश्व हथेली लिए चढ़ाई। जन जन रु राजा पर नामा, उड़ चले अवध दिशा हनुमाना। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। उषा काल की लालिमा छा चुकी है क्षितिज पर, अब किसी भी क्षण सूर्यदेव की प्रथम रश्मि यहां की धरा को स्पर्श कर सकती है और यदि इस क्षण के पूर्व ही हनुमान नहीं आ पाए तो हनुमान आ गए। प्रणाम गुरुदेव वशिष्ठ। प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्य। कल्याण हो। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। माता, कहीं मुझे आने में विलंब तो नहीं हुआ ना? पुत्र हनुमान, तुम्हारे होते हुए प्रभु के कार्य में विलंब कैसे हो सकता है? माता, ये कार्य भी मैं प्रभु के प्रताप से ही पूर्ण कर पाया। अब प्रभु के अश्वमेध यज्ञ के संपन्न होते ही चहु ओर धर्ममय सुखमय राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। माता, और तब राक्षसी सोच को विस्तारित होने का अवसर ही नहीं मिलेगा।
हनुमान, यदि तुम चाहते हो कि सुख में रामराज्य स्थापित हो जाए तो जब तक अश्व पूजा होती है तब तक तुम्हें जाकर एक और महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। ऋषि श्रेष्ठ, आप आदेश दीजिए। तो सर्वप्रथम तुम ये बताओ कि अश्वमेध यज्ञ के विषय में तुम्हें कितना ज्ञान है एवं यज्ञ के अश्व का क्या महत्व है। ऋषिवर, जहां तक मुझे ज्ञात है राजा अपने साम्राज्य एवं प्रभुत्व को विस्तारित करता है। अश्व जिस राज्य से होकर निकलता है उस राज्य के राजा को यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार करनी होती है। किंतु यदि कोई उस अश्व को रोकता है तो उसे यज्ञ करने वाले राजा की सेना से युद्ध करना होता है। हाँ हनुमान, अंततः इस यज्ञ का लक्ष्य यह है कि समस्त राजा श्री राम की अधीनता बिना युद्ध के ही स्वीकार कर लें एवं राम राज्य में सम्मिलित हो जाएं। और यह तभी संभव हो सकता है हनुमान, जब स्वयं चवन ऋषि इस यज्ञ में भाग लें, क्योंकि वो उन महान ऋषियों में से एक हैं जो महातेजस्वी हैं, जिनके तप में अतुलनीय शक्ति है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चवन ऋषि के तपोबल से बड़े बड़े महाबली राजा भी थरथर कांपते हैं। उन्होंने अपने तप के प्रताप से इंद्रदेव को भी बंदी बना लिया था। आसुरी शक्ति एवं निशाचरी सोच वाले तो इनसे कोसों दूर ही रहते हैं। इस प्रकार श्री राम एवं तुम्हारे नाम के साथ ऋषि चवन का नाम मात्र जुड़ जाने से ही उनके तप का सम्मान करते हुए अनेकों भोपाल अश्व को नहीं रोकेंगे और बिना युद्ध किए ही प्रभु श्री राम के राज्य को स्वीकार कर लेंगे। परंतु ऋषि चैवन सरयू किनारे तप कर रहे हैं, शीघ्र कुपित हो जाते हैं वो। छोटी सी बात पर कठोर से कठोर श्राप दे सकते हैं। यज्ञ के लिए यहां ला पाना लगभग असंभव ही है हनुमान। गुरुवर, प्रभु का कार्य है, प्रयास तो करना ही होगा मुझे। किंतु किसी कारण से रुष्ट होकर उन्होंने पुत्र हनुमान को श्राप दे दिया तो? माता, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यदि माता ऐसा कुछ हुआ तो भी मैं प्रभु का नाम लेकर उनके श्राप को भी आशीर्वाद समझकर मैं ग्रहण कर लूंगा। माता, किंतु मैं ऋषि चवन को लेकर अवश्य आऊंगा। कार्य कितना भी जटिल हो किंतु बिना किसी संकट के समय रहते यदि वो कार्य कोई कर सकता है तो वो मात्र हनुमान ही है। प्रभु, मुझ पर आपका ये विश्वास ही मेरी शक्ति है। अब इस कार्य को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रभु, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए।
सफल मनोरथ भवा। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। कल्याण हो। जय श्री राम। वानर 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 या ये वानर ही मेरी राह का रोना है। अश्व को अयोध्या पहुंचाया और अब चैवन ऋषि को लाने चल दिया। नहीं, चैवन ऋषि के आने का अर्थ है राम राज्य की शीघ्र स्थापना। तब हम आसुरी सोच से पतित नहीं कर पाएंगे मनुष्यों को, तो कैसे होगा पाप का विस्तार, कैसे होगी अधर्म की जय। यज्ञ को किसी भी मूल्य पर सफल नहीं होने दूंगा मैं। विघ्न डालना होगा, विघ्न। कैसी सात्विक ऊर्जा उपस्थित है यहाँ चहुओर। ओम नमः शिवाय। सत्य ही कहा था ऋषिवर अगस्त ने, तप के तेज से यहाँ का संपूर्ण वातावरण शुद्ध पवित्र एवं दिव्य बना हुआ है। ओम नमः शिवाय। च्यवन ऋषि भी आसपास ही कहीं होंगे। ये ऋषिवर च्यवन कहाँ है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तप का ऐसा अद्भुत एवं विचित्र तेज, ऋषिवर च्यवन भी इतने युवा, आश्चर्य है। ये क्या, बाहर से तो युवा है किंतु भीतर से वृद्धता भी झलक रही है। ये क्या पहेली है, ये कोई माया है या तप का तेज या फिर कुछ और। वहीं रुक जाओ और निकट जाने का साहस मत करना। अब त्रिन भर भी आगे बढ़े तो तुम्हें ऋषिवर के प्रलयकारी कोप का भागी बनना पड़ेगा। कौन हो तुम। प्रणाम माता, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। मैं ऋषिवर के तप में विघ्न नहीं डालूंगा किंतु प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के लिए मुझे शीघ्र ही ऋषिवर को अयोध्या लेकर जाना है। उसके लिए तो तुम्हें ऋषिवर के मंत्र जाप के संपन्न होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। परंतु माता, प्रतीक्षा करूंगा तो अश्वमेध यज्ञ का मुहूर्त ही निकल जाएगा। हनुमान,
प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त तुम्हारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। ओम नमः शिवाय। माता, कोई तो विकल्प होगा जिससे ऋषिवर कुपित भी ना हो और ध्यान से जागृत भी हो जाएं। नहीं, अभी तो किसी ने उनका ध्यान भंग किया तो उसे कठोर दंड देते हैं ऋषिवर। मैं भी दंड भोग रही हूँ, एक भूल के कारण जीवन भर के लिए इनकी दासी बनना पड़ा मुझे। माता, जीवन भर के लिए दासी? ऐसा क्या हो गया था आपसे? ये एक लंबी कथा है, सुनना चाहोगे? हाँ माता, किंतु नहीं नहीं माता, समय बहुत अल्प शेष है। आज मैं कथा के लिए क्षमा चाहता हूँ। माता, अभी तो मुझे ऋषिवर को ध्यान से जागृत करने के लिए कोई उपाय ढूंढना होगा। क्या हुआ हनुमान, तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा उठ रही है? जिज्ञासा तो है माता, सैकड़ों वर्षों से जिनके प्रताप के बारे में सुना है वो देखने में इतनी कम आयु के हैं, देह से युवा प्रतीत हो रहे हैं। माता, किंतु तपोबल किसी दृढ़ आयु समान ऋषि के जैसा है। इसकी भी कथा लंबी है, कहो तो सुनाओ। माता, तब तो आप रहने दीजिए, अभी तो आप यही प्रार्थना कीजिए कि ऋषिवर को बिना कोपित किए ध्यान से जागृत करने का उपाय मिल जाए मुझे। ऋषिवर का ध्यान तो उनकी इच्छा से ही टूटेगा, उचित है कि तुम प्रतीक्षा करो और मुझे अपने कार्य करने दो। ये तो बड़ी ही दुविधा उत्पन्न हो गई। प्रतीक्षा करूंगा तो मुहूर्त निकल जाएगा और यदि ऋषिवर का तप भंग हुआ तो अनिष्ट हो जाएगा, क्या करूं मैं? कार्य के मध्य किसी भी व्यक्ति को दुविधा हो सकती है, किंतु ऐसे समय में व्यक्ति को संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए।